हमास का रहनुमा इस्माइल हनिया को ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया या इनके कमरे में रिमोट कंट्रोल बम नस्ब था। बड़े राजों से पर्दा उठने लगा। इसराइली मुबस्सरीन कहते हैं कि इस्माइल हनिया को स्पाइक NLOS जदीद तरीन इसराइली गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया है, जबकि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस्माइल हनिया को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाने का दावा कर दिया जो छुपाकर इमारत में नस्ब किया गया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया की शहादत तेहरान के गेस्ट हाउस में पहले से नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से हुई है। ये बम 2 माह कबल इस अहम तरीन इमारत में स्मगल किया गया था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि शमाली तेहरान में वाकिया ये गेस्ट हाउस एक बड़े कंपाउंड का हिस्सा है जिसकी सिक्योरिटी पासदारान इनकलाब के पास है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक उस वक्त रिमोट कंट्रोल से बम धमाका किया गया जब इस्माइल हनिया की अपने कमरे में मौजूदगी कंफर्म हुई। धमाके में उनका ज़ाती मुहाफिज भी शहीद हुआ। धमाके से इमारत की खिड़कियां टूटी और बाहरी दीवार जज़्वी तौर पर गिर गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हनिया तेहरान के दौरों में कई मर्तबा इस गेस्ट हाउस में क़याम कर चुके हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगरचे इसराइल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इसराइली इंटेलिजेंस अहलकारों ने हमले के फौरन बाद अमरीका और दीगर मगरबी हुकूमतों के साथ ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उस बम को गेस्ट हाउस में कैसे पहुंचाया गया ये अभी वाज़ह नहीं है, लेकिन इस्माइल हनिया के कत्ल की प्लानिंग और कंपाउंड की निगरानी बज़ाहिर कई महीनों तक की गई। इस्माइल हनिया से मुलहक्का कमरे में फ़लस्तीनी इस्लामिक जहाद के रहनुमा ज़ियादाल अनखाला ठहरे हुए थे, लेकिन उनके कमरे को कुछ भी नहीं हुआ, जिससे जाहिर होता है कि हमले का हदफ सिर्फ इस्माइल हनिया थे। दूसरी जानिब इसराइली मुबस्सरीन का दावा है कि इस्माइल हनिया को स्पाइक NLOS जदीद तरीन इसराइली गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हनिया को जिस स्पाइक NLOS जदीद तरीन इसराइली गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया वो अपने रास्ते और हदफ की वीडियो भी रियल टाइम जारी करता है। मिसाइल इसराइली असलहा साज कंपनी राफेल में तैयार किया जाता है। ये गाइडेड मिसाइल अमूमन टैंकों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पाइक NLOS मिसाइल 50 किलोमीटर से 2500 मील तक भी अपने हदफ तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। ज़मीनी निज़ाम से लॉन्च किए जाने पर मिसाइल की रेंज 32 किलोमीटर है। जदीद मिसाइल सिस्टम बयक वक्त 4 मिसाइलों को लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल को ड्रोन्स और दूसरे तैयारों के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर की मदद से अपने हदफ को तलाश करता है। जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम में हदफ का तस्वीरी खाका अपलोड करके हदफ की जानिब भेजा जाता है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल इसराइली अफवाज के ज़रिए इस्तेमाल है। भारत भी स्पाइक NLOS मिसाइल का बड़ा ख़रीदार है। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की तेहरान में शहादत के बाद ईरान ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने खुले अल्फाज में इसराइल को खबरदार कर दिया। मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने कहा है कि इसराइल से इस्माइल हनिया की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। इसराइल से बदला कब और कैसे लेना है तरीक़ाकार का जायज़ा ले रहे हैं। मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने मजीद कहा कि इसराइल के खिलाफ कई इकदामात करेंगे और हमारे जवाबी वार से इसराइल को हर हाल में पछताना पड़ेगा। दूसरी जानिब इसराइली थिंक टैंक ने इतराफ़ किया है कि इस्माइल हनिया की शहादत के बावजूद हमास की सलाहियतें कम नहीं होंगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली थिंक टैंक का कहना है कि हमास के सरबराह की अदम मौजूदगी हमास की फौजी या सियासी सलाहियतों पर असरअंदाज नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत से गजा में हमास की जारी पॉलिसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमास को इस्माइल हनिया का मुतबादिल तलाश करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। इसराइली थिंक टैंक के मुताबिक गजा में जंगबंदी माहदे पर बातचीत के लिए हमास के पास मुतबादिल बासलाहियत अफराद की कमी नहीं है। उधर इस्माइल हनिया की शहादत पर इनकी बेटी होला इस्माइल हनिया का कहना है कि वालिद को शहीद करने वाले कयामत तक पछतावे में रहेंगे। होला इस्माइल हनिया ने कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमारे वालिद को शहादत से नवाजा। हमारे वालिद जहाद कर रहे थे, इसलिए शहीदों में इनका इंतखाब होने पर हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं और जन्नत में इनके बुलंद दर्जात के लिए दुआगो हैं। होला इस्माइल हनिया ने कहा कि इसराइली हुकूमत अगर ये सोचती है कि इस्माइल हनिया को शहीद करके उन्हें सुकून मिलेगा
या वो जश्न मनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि खुदा की कसम मेरे वालिद का खून हशर के दिन तक इनका पीछा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह ने चाहा तो इस्माइल हनिया की शहादत का मतलब मुकद्दस सरजमीन की फतह होगी।